हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएनयू केयर। सो गाइस, क्लैट 24 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। गाइस, कंसोर्टियम ने जो है फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर की को कैसे डाउनलोड करना है। गाइस, तो सबसे पहले आपको कंसोर्टियम की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको क्लैट 24 फाइनल आंसर की पे सिलेक्ट करना है और आपको आंसर की जो है वो ओपन हो जाएगी। अब क्या कोई चेंजेस हुए हैं, क्या कोई क्वेश्चन कैंसिल हुआ है या फिर कोई आंसर्स चेंज हुआ है कंपेयर टू द प्रोविजनल आंसर की? द आंसर इज यस गाइस। तो अगर हम देखें तो क्लैट कंसोर्टियम ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस किए हैं, कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं, ओवरसाइट कमिटी ने उसे कंसिडर किया हुआ है। एंड अगर हम बात करें क्लैट यूजी की गाइस, तो आपका पेपर जो 120 मार्क्स का हुआ था, अब वो सिर्फ 118 मार्क्स का जो है वो हो चुका है। दो क्वेश्चंस स्पेसिफिकली, एक क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में से और एक क्वेश्चन लीगल रीजनिंग के सेक्शन में से जो है वो विड्रॉ कर लिया है क्लैट कंसोर्टियम में, बिकॉज उसमें जो है चेंजेस जो है उन्हें दिखे, उन्हें लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं था। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में से और लीगल रीजनिंग के सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन विड्रॉ कर दिया है, इसीलिए आपका जो पेपर है गाइस आपका हो जाता है 118 मार्क्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आपका जो टोटल स्कोर होगा गाइस, वो आपका होने वाला है आउट ऑफ 118 मार्क्स। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जो अलग अलग सेट वाइज अलग अलग हुआ है। तो सेट ए में वो क्वेश्चन नंबर 16 था, सेट बी में 10 था, सेट सी में 4 था और सेट डी में 19। वैसे ही लीगल रीजनिंग के भी आपको सेक्शन नंबर दिए गए हैं, तो आप रिस्पेक्टिवली आपको जो सेट मिला था आप वहां पे जाके जो है देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है वो चेंज हो गया है एंड कैसे जो है उन लोगों ने उस क्वेश्चन को विड्रॉ कर दिया है। तो गाइज, अब आपका जो मार्क्स आएगा वो आपका मार्क्स जो है वो सिर्फ 118 मार्क्स में से ही जो है वो आने वाला है। एंड आप यहाँ पे जो है फुल फाइनल आंसर की जो है इसे भी देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको फाइनल आंसर की जो है देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, तुरंत से उसे डाउनलोड कर लो ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप देख सको कि आपका करेक्ट जो है आंसर्स कितना आता है। एंड बी रेडी फॉर द क्लैट रिजल्ट्स। 10 दिसंबर कल ही है, कल क्लैट अपने रिजल्ट्स जो है 24 के अनाउंस कर रहा है। सो बी एडुकेयर विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट रिजल्ट्स एंड डू शेयर योर रिजल्ट्स विद द बी एडुकेयर। मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दूंगी जहां पे आपको आपका स्कोर जो है आप अपडेट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।